नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। दिल्ली में चल रही बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन यानी सोमवार को सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात में पार्टी की जीत के फॉर्मूले पर रही। इसी मॉडल को कर्नाटक में आगे बढ़ाया जाएगा। कर्नाटक में मई तक चुनाव होना है। आज चुनावी राज्यों की लीडरशिप का भी टेस्ट होगा। उन्हें अपनी जीत का रोड मैप और इसके लिए तैयारी की है। सचिन पायलट समर्थक वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत सहित लंबे समय से पदों पर काबिज पार्टी के सीनियर नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने सीनियर नेताओं को युवाओं के लिए जगह खाली करने की नसीहत दी है। हेमाराम ने कहा, हम लोग जो 1980 से सत्ता में संगठन में पदों पर बैठे हैं, हम लोगों को युवाओं को मौका देने पर विचार करने की जरूरत है। खास बात यह है कि हेमाराम चौधरी सरकार के मंत्रियों के साथ होने वाले चिंतन शिविर की बजाय पायलट के किसान सम्मेलन में पहुंचे। राजस्थान में हड्डी जमा देने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। लोगों को अभी 2-3 दिन तक कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भयंकर सर्दी और शीतलहर का यह दौर विंटर सीजन का पीक है, यानी ठंड अपने चरम पर है। 19 जनवरी के बाद से इसका असर कम होने लगेगा। प्रदेश में अब भ्रष्टाचार अफसरों के और कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद उस पर केस चलाने का फैसला करने के लिए हाई पावर कमेटी बनेगी। यही कमेटी एसीबी मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने या नहीं देने का फैसला करेगी। सरकार के 4 साल के कामकाज पर जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में चल रहे चिंतन शिविर में यह फैसला लिया गया है। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।